उत्तर प्रदेश हो या देश विदेश, लाइफ स्टाइल हो या मनोरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे मोबाइल ऐप अलाइव 24 न्यूज को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 49,310 मामले सामने आए, 740 की मौत। उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। असम में एक दिन में कोरोना के 1,047 केस, अब तक 28,791 मामले दर्ज। भोपाल में आज रात 8 बजे से 10 दिन के लिए लगेगा लॉकडाउन। यूपी में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन, शराब की दुकानें खुली रहेंगी। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका। ग्रेटर नोएडा में दादरी बाईपास सड़क हादसे में 2 युवक की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र के पालघर में देर रात को आया भूकंप, 3.1 रही तीव्रता। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। हैदराबाद एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बाबरी विध्वंस केस में आज लाल कृष्ण आडवाणी का बयान होगा दर्ज। यूपी लैब असिस्टेंट की हत्या पर कानपुर पुलिस बोली, नदी में हो रही शव की तलाश। बिहार में बाढ़ का तांडव जारी, गोपालगंज में गंडक नदी पर बना पुल बहा। लैब असिस्टेंट की हत्या पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, यूपी में दम तोड़ रही कानून व्यवस्था। यूपी के लखीमपुर खीरी में बजरंग दल के नेता को बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर। दक्षिण अफ्रीका में 27 जुलाई से 24 अगस्त तक सभी पब्लिक स्कूल बंद रहेंगे। यूएई में 19 सितंबर से होगा आईपीएल, 8 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल। लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 अपराधी गिरफ्तार। ऑनलाइन और एटीएम बूथ पर लोगों के कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 3 शातिर जालसाज चढ़े कमिश्नरेट पुलिस के हत्थे। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, विकास का करीबी शिवम दुबे अरेस्ट। सीहोर में बुधवार को बाजार के कई इलाकों में घुसा बारिश का पानी, बाढ़ जैसे हालात। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त महेश ने दिल बेचारों को बताया स्पेशल, बोले तुझे मिस कर रहा। किर्गिस्तान में फंसे छात्रों की वतन वापसी, सोनू बोले खुशी का ठिकाना नहीं। पैसों के लिए सड़क पर कर्तव्य दिखा रही बुजुर्ग महिला, मदद के लिए आ गया रितेश देशमुख। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।